अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 23 मार्च 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आज की बड़ी अपडेट शिक्षक भर्ती महाधरने के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, सभी बच्चे अब आ चुके हैं मैदान में और उम्मीद है कि हमारी जल्द से जल्द बड़ी वैकेंसी आएगी। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। क्या बीएड दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकता है? देखिए, अब बीएड के छात्र क्या कमेंट करते हैं जरा देखिए कि सभी लोग सतर्क रहें, जब तक निर्णय ना आ जाए तब तक किसी भी धरने में बीएड के छात्रों को शामिल नहीं होना है। खास करके देख सकते हैं, बीएड को दिन रात गाली देने वाले डीएलएड द्वारा आयोजित किसी भी धरने में कोई भी छात्र शामिल ना हो। बीएड छात्र संघर्ष मोर्चा। तो अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि बीएड छात्रों को क्या ऐसा लगता है क्या कि बीएड के छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो रहे हो? तो ऐसा नहीं है। उम्मीद है दोस्तों, जब नई शिक्षक भर्ती आएगी तो उसमें बीएड के छात्रों को भी मौका मिलेगा, उसके साथ साथ डीएलएड छात्रों को भी मौका मिलेगा। सभी बच्चों को मौका मिलेगा और जो बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे उनको नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती का जब रिजल्ट घोषित हुआ था तो वहां पर आपको बता दें डीएलएड से ज्यादा बीएड के छात्र पास हुए थे। तो दोस्तों इसका प्रूफ भी हम आपके सामने रख देते हैं। आप देख सकते हैं जब 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया था, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट है, यहाँ पर डीएलएड छात्रों की संख्या 38,610 थी लेकिन बीएड छात्रों की संख्या 97,368 थी। देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रूफ के साथ हम आपके सामने रख रहे हैं रिजल्ट। ठीक है, तो बीएड के छात्र बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइएगा, आप लोग को भी पूरा मौका मिलेगा। आप इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। वैसे देखिए सभी बच्चों को इंतजार है, लेकिन एक बात और देखिए, 1953 पदों पर रद्द हुई भर्ती परीक्षा फिर से कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए बहुत बार अगर पेपर में धांधली हो जाती तो पेपर को रद्द भी कर दिया जाता है। और याद रखिएगा, इस वैकेंसी में लाखों बच्चे सम्मिलित हुए थे। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। देख सकते हैं, इन पदों के लिए करीब 14 लाख लोगों ने आवेदन कर रखा है। सोचिए, 14 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। पद कितने थे? 1953। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक और खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में फरार चल रहा मायापति दुबे भदोही से गिरफ्तार हो गया। ठीक है, इस अपडेट को देखेंगे। और उसके बाद एडेड कॉलेजों में 2707 प्रधानाचार्यों की भर्ती जल्द होने वाली है। आंगनवाड़ी के 52,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यूपी सुपर टेट विज्ञापन 2023। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएं। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर भी करना है। ठीक है, तो अब देखिए सवाल आपके मन में एक ही है कि कब तक हमारा यूपी टेट और सी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, कितना और आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, एक होता है ना कि समय बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए अभी हमारा सीटेट का रिजल्ट हाल ही में आया है, तो सीटेट का जो हमारा पेपर हो सकता है वो जुलाई अगस्त तक जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, हो सकता है कि पेपर अगस्त में जा सकता है अगर पेपर होगा तो। तैयारी अगर आप अभी से शुरू करेंगे तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी दोस्तों, जो हमने मैथ्स की पूरी क्लासेस आपके लिए बनाई है यूपी टेट में, स्पेशली यूपी टेट, ठीक है, और सी टेट में। और देखिए, वो तो वैसे किसी भी टेट एग्जाम में आपका काम आ जाएगा क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग 33 वीडियोस हैं। ठीक है, तो एक बार उसको आप लोग देखेंगे। हर एक चैप्टर के लगभग 1500 से भी ज्यादा प्रश्न है। सोचिए, 1500 से भी ज्यादा प्रश्न आपको करने का मौका मिलेगा। तो पेपर में आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल आपका बेसिक क्लियर होगा, बेसिक टू एडवांस लेवल। होता क्या है ना, आप लोग काफी बार बेसिक तो पढ़ लेते हैं लेकिन एडवांस छोड़ देते हैं। तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इस पर सुनाएगा। लेकिन बीएड के छात्रों को फिलहाल गुमराह किया जाता है, डराया जाता है कि आप बाहर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। सभी बच्चे तैयारी करते रहें और जो कोर्ट का जो फैसला होगा वो तो आपको पता ही, वो फैसला अंतिम होने वाला है। ठीक है, क्या शिक्षक भर्ती में टेट का 1/4 नंबर जोड़ा जा सकता है? तो देखिए, अभी इसको लेकर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो पहले इस अपडेट को हम आपके सामने रखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट अपडेट है। लखनऊ से अपडेट आ रही, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी व पर्यवेक्षक के पदों की निरस्त हुई परीक्षा को पुनः कराने जा रहा है। ठीक है, शासन से उसे जल्द ही इसके लिए हरी झंडी मिलने की संभावना है। अनुमति मिलते ही परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। इन पदों के लिए करीब 14 लाख लोगों ने आवेदन कर रखा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी के 1557, ग्राम विकास अधिकारी के 362 और पर्यवेक्षक के 64 पदों
समेत कुल 1953 पदों के लिए आवेदन मांगा था। दिसंबर 2018 में परीक्षा हुई और अगस्त 2019 में इसका परिणाम भी जारी कर दिया गया। ठीक है, परीक्षा परिणाम जारी होने के साथ ही इसमें धांधली की कई शिकायतें आई थी। राज्य सरकार ने मार्च 2020 में पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी द्वारा धांधली की पुष्टि के बाद इसे रद्द कर दिया गया। कोरोना काल के चलते उस समय इस पर कोई फैसला नहीं किया जा सका था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भर्ती परीक्षा में कुछ भी धांधली होगी तो ये पावर इनके पास होता है कि पेपर को रद्द कर सकते हैं। लाखों बच्चे दोस्तों पेपर में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, लखनऊ से एक और अपडेट आ रही। प्रदेश में एडेड इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों के लंबे समय से रिक्त चल रहे करीब 2707 पद शीघ्र भरे जाएंगे। राज्य सरकार खाली पड़े इन पदों को भरने के लिए इसी सप्ताह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को अधियाचन भेजने जा रही है। अधियाचन प्राप्त होने के बाद माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की ओर से चयन नियुक्ति की कवायद शुरू होगी। फिलहाल प्रधानाचार्य विहीन ये विद्यालय कार्यवाहक प्रधानाचार्यों के भरोसे चल रहे हैं। तो हर एक अपडेट पर दोस्तों इसीलिए कहते हैं आप लोगों की नजर होनी चाहिए कि कहां पर क्या मामला चल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों आज हमारा शिक्षक भर्ती महाधरने का आगाज हो रहा है। ठीक है, आप लोग भी इसमें देखिए सम्मिलित होइए। देखिए, आप लोग जो नहीं बच्चे जा पाते उनको क्या करना चाहिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए। सोशल मीडिया पर आपको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और इस मुहिम का हिस्सा बनिए और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। जी हाँ, और हमारी दोस्तों जो मांग रहेगी वो 97,000 पदों पर रहने वाली है। देखिए, बीच में क्या था कि 17,000 पदों की बात हो रही थी, लेकिन 17,000 पद से काम नहीं चल पाएगा, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, कम से कम हमारी जो मांग रहेगी 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आनी चाहिए। अब बाकी यूपी सुपरटेट विज्ञापन 2023 देखते हैं कब तक अब ये विज्ञापन सरकार निकालती है। देखिए, हुआ क्या था, कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है कि छात्र और शिक्षक का अनुपात ये सब बराबर है, जब सब कुछ इक्वल है तो भाई वैकेंसी आएगी नहीं। अब वैकेंसी आएगी नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, तो देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। अब शुरुआत देखिए किन बच्चों ने की, 6,800 पदों पर जो अभी हमारी ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी आरक्षण सूची, जी हाँ दोस्तों, जो चयन सूची जारी की गई थी उसको रद्द कर दिया गया। तो शुरुआत दोस्तों वहीं से होती है। ठीक है, बाकी अब जो भी फैसला आएगा वो फैसला हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, इंतजार की घड़ियां जल्द ही हमारी समाप्त होंगी और जल्द ही दोस्तों में अच्छी खबरें देखने को मिलेंगी। तो यूपी टेट की दोस्तों ये रही ऑफिशियल वेबसाइट, तो आप देख सकते हैं गुरुवार 23 मार्च यहाँ की ऑफिशियल डेट यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर दी गई है। तो जल्द ही दोस्तों फैसला आने वाला है। जीडी कांस्टेबल भर्ती में पद 50,000 के पार, छात्रों को है रिजल्ट का इंतजार। जी हाँ दोस्तों, एसएससी ने पहले से आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। तो मतलब ये समझ लीजिए वैकेंसी में पदों की संख्या को बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल भी हमने आपके सामने रख दिया। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।